गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रस का पांचवा प्रकार बीज रस। ठीक है, इसके पहले हमने श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और रौद्र रस, इन चार रसों को पढ़ लिया है, परिभाषा को देखा है और इनके उदाहरण को देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आज पढ़ेंगे कौन सा रस, आपको बताया बीज। बीज रस का जो है स्थाई भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। बीज रस का स्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा तो आपको पता ही है कि हम परिभाषा कैसे बनाते हैं, किसी काव्य को पढ़ने सुनने अथवा देखने से जहाँ हमारे मन में उत्साह का भाव जागृत होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीज रस कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। सबसे पहले किसी काव्य को पढ़ने सुनने अथवा देखने से, पढ़ने सुनने अथवा देखने से जहां हमारे मन में या उत्पन्न क्या करेंगे यहाँ पर उत्साह का भाव क्या होगा? उत्पन्न होता है उसे बीज रस कहते हैं। उसे बीज रस कहते हैं। ठीक है, अब हम आ गए यहाँ पर उदाहरण। उदाहरण की हम बात करें तो बीज रस के बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने सुना होगा सिंहासन है उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, है ना। चमक उठी संतावर में वह दरबार पुरानी थी, बुंदेले हर बोले के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। और उदाहरण तो यहाँ पे सबसे पहले जो कविताएं लिखी गई बीज रस से उपरोक्त कविताएं जो लिखी गई वो स्वतंत्रता संग्राम, जब भी हम जो हमारा देश था वो अंग्रेजों का गुलाम हो गया था, उस समय जो कविताएं लिखी गई वो थी बीज रस ताकि जो लोग हैं वो उत्साहित हों, वैसा ही करने का प्रयास करें, वीर बनने का प्रयास करें, है ना। तो इस तरह से हमें उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं इसी स्वतंत्रता को लेकर कि ओ नौजवान वीरता की कसौटी है आज, और ओ नौजवान वीरता की कसौटी है आज, तुम शेर हो दिलेर हो, तुम शेर हो दिलेर हो, रखो वतन की लाज, रखो वतन की लाज। ठीक है, यहाँ पर एक कविता है, उदाहरण है, कविता के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो नौजवानों को, जो हमारे देश के जो वीर पुरुष है या जो हमारे युवा व्यक्ति हैं, है ना, युवक है जो जिनमें सबसे ज्यादा शक्ति है, माना जाता है कि जो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो है अगर युवा है ना, ना तो वो बच्चा है ना तो वो बहुत बूढ़ा है, तो युवक जो होगा वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है, चाहे उसकी मानसिक स्थिति हो चाहे उसकी शारीरिक स्थिति हो, वो बहुत स्ट्रांग होती है। यहाँ पर जो है वो कवि जो है यहाँ पे इस पंक्तियों के माध्यम से उत्साह जगाना चाह रहे हैं, वीर रस को जगाना चाह रहे हैं मन में, युवकों के नौजवानों के मन में क्या जगाना चाह रहे हैं, उत्साह जगाना चाह रहे हैं कि ओ नौजवान, जितने भी नौजवान हैं मेरे देश में उनको वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं ओ नौजवान वीरता की कसौटी है आज, वीरता की कसौटी है, तुम शेर के समान शक्तिशाली हो, दिलेर हो मतलब तुम किसी से डरते नहीं हो, है ना, तुम शेर हो तुम दिलेर हो, रखो वतन की लाज, तुम आगे आओ और अपने वतन
दोनों के बीच में फंस जाता है, ना तो वो भाग सकता है, है ना, ना तो वो एक और
समझ आ जाए। क्लियर। इसके बाद भयानक व्यवस्था जो आपने पढ़ा, किसी काव्य को पढ़ने सुनने अथवा देखने से जहाँ हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न होता है उसे हम भयानक रस कहते हैं। उदाहरण के लिए एक ओर अजगर लगी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बाट बीज, परिमूर्छा खाए। ये रहा आपका छठवां पांचवा